हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं महेंद्र आपको इस चैनल पे फार्मास्यूटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट टॉपिक मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मैनोमीटर के बारे में, तो मैनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि यूज़ की जाती है प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ये तीन प्रकार के होते हैं, जो पहला है आपका वो है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा है डिफरेंशियल एंड तीसरा है इंक्लाइंड मैनोमीटर। जो सिंपल मैनोमीटर है ये अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, और जो आपका डिफरेंशियल है और इंक्लाइंड है ये अगर प्रेशर डिफरेंस कम है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल मैनोमीटर के बारे में। आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो ये एक यू शेप की ट्यूब होती है जो कि ग्लास की बनी हुई होती है। इसमें दो लिक्विड फिल्ड होते हैं। जो पहला लिक्विड है वो लिक्विड ए है, जिसकी डेंसिटी रो ए के जी पर मीटर क्यूब होती है, और जो दूसरा लिक्विड है वो है लिक्विड बी, जिसकी डेंसिटी रो बी के जी पर मीटर क्यूब होती है। इसको जब हम पाइपलाइन में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो हमारा लिक्विड ए है वो एक आर्म में ऊपर की ओर क्लाइंब हो जाता है। आइए हम देखते हैं इसको यूज़ करके हम प्रेशर डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हमें अजम्पशंस करने होंगे। वो क्या है, जो पॉइंट वन है वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी वन है, और पॉइंट फाइव पे जो प्रेशर वो लग रहा है वो पी टू है। हमें यहाँ पे पी वन और पी टू के बीच के डिफरेंस को ही कैलकुलेट करना है, जो कि होता है डेल्टा पी। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक, सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पे जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो पॉइंट टू पे प्रेशर है वो किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। जो पहला है वो है आपका पी वन पे, उसके बाद में जो ये हाइट है इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा एम प्लस आर के ऊपर, और इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम वो कैलकुलेट करें कि पॉइंट टू पे प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, तो प्रेशर एट पॉइंट टू इज इक्वल टू पी वन प्लस एम प्लस आर रो बी जी। ये है इक्वेशन वन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको देखेंगे कि पॉइंट टू और पॉइंट थ्री आपस में पैरेलल है, तो जो प्रेशर पॉइंट टू पे रहेगा वही प्रेशर पॉइंट थ्री पे रहेगा। तो इसी को आप इस प्लेस पे लिख सकते हैं, प्रेशर एट पॉइंट थ्री इज इक्वल टू पी वन एम प्लस आर रो बी जी। ये है इक्वेशन टू। अगर हम बात करें पॉइंट फोर के बारे में, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इसके ऊपर जो लिक्विड है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो है आपका पी टू, हाइट कितनी है एम, और जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है रो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन के रूप में वो लिखना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्रेशर एट पॉइंट फोर इज इक्वल टू पी टू प्लस जी एम रो भी। ये है इक्वेशन नंबर थ्री। अगर हम पॉइंट थ्री के वो रेफरेंस में पॉइंट फोर के प्रेशर को लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको आसानी से वो लिख सकते हैं, पॉइंट थ्री पे जो प्रेशर है उसमें से अगर हम इतने लिक्विड के वेट को जो है रिमूव कर देंगे तो आसानी से हम इसके रेफरेंस में पॉइंट फोर के प्रेशर को लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। सो द प्रेशर एट पॉइंट फोर इन रेफरेंस टू पॉइंट थ्री, द प्रेशर एट पॉइंट फोर इज इक्वल टू पी वन प्लस रो बी एम प्लस आर जी माइनस रो ए आर जी। रो ए आर जी क्या है, पॉइंट थ्री और फोर के बीच में जो लिक्विड है उसका वेट है। सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, इक्वेशन फोर इज इक्वल टू इक्वेशन थ्री, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन पॉइंट फोर के प्रेशर को ही कैलकुलेट करती हैं। तो इक्वेशन फोर क्या थी, पी वन प्लस रो बी एम प्लस आर जी माइनस रो ए आर जी इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा जो है पी टू प्लस जी एम रो बी के। अब हमको क्या करना है कि पी टू को हमको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है और टोटल इसको हमको राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू जी एम रो बी माइनस रो बी एम प्लस आर जी प्लस रो ए आर जी। पी वन माइनस पी टू ये आपका डेल्टा पी हो जाएगा। इसको हम ओपन करके वो लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, जी एम रो बी माइनस जी आर जो है रो बी। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या शेष रह जाएगा,
ये आपका शेष रह जाएगा माइनस जी आर रो बी प्लस रो ए आर जी। ठीक है, अब इसको हम इसमें से जो चीज़ें कॉमन होंगी उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें आप देखिए तो क्या क्या कॉमन है, आर दोनों में कॉमन है, जी दोनों में कॉमन है, तो जो फाइनल इक्वेशन हमारी होगी वो क्या होगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू आर रो ए रो बी रो ए माइनस रो बी और ब्रैकेट के बाहर आपका जी हो जाएगा। ये हमारी टोटल इक्वेशन है, इसी से हम प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको दोनों लिक्विड की डेंसिटी पता है, आर को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको जी की वैल्यू भी पता है, तो आसानी से हम डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ये स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टू फ्लूड यू ट्यूब या मैनोमीटर, क्योंकि इसमें दो लिक्विड फिल होते हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। इन दोनों लिक्विड की जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो है ये भी यू शेप का होता है, ग्लास का बना हुआ होता है, बट इसमें आप जो देख रहे हैं कि दोनों साइड पे एक इनलार्ज चैम्बर्ड होते हैं। मींस इसमें आप कह सकते हैं कि तीन लिक्विड हैं, लिक्विड ए, लिक्विड बी और लिक्विड सी। इसको जब भी पाइपलाइन से अटैच किया जाता है तो जो लिक्विड ए है वो जिस साइड प्रेशर ज़्यादा होता है उस साइड से नीचे होके और जिस साइड प्रेशर कम होता है वहाँ पे इनलार्ज हो जाता है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू आर रो सी माइनस रो ए जी। ओके स्टूडेंट, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।